हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है प्रिया एंड मैं बिलोंग करती हूँ फ्रॉम द सिटी ऑफ ताज, दैट इज़ आगरा, एंड मेरे चैनल का नेम है यमी मम्मी। बट आज ये वीडियो जो बन रहा है, आप लोगों को मैं वेलकम करना चाह रही हूँ एक चैनल के लिए जिसका नाम है इंडियन मॉम स्टूडियो। एंड जो इस चैनल के क्रिएटर है उनका नाम है रीमा, मिसेज रीमा। शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट लेडी, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल है। मीन्स वो इतनी बड़ी यूट्यूबर हो गई हैं, बट वो एक जेन्युइनली अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, उनकी वीडियोस देखती हैं, वो मेरी भी सारी वीडियोस देखती हैं एंड रेगुलरली सब पे कमेंट करती हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी उनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड फुर्सत मिल जाए तो मेरा चैनल भी देख लीजिएगा। सो वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन मॉम स्टूडियो। हेलो एवरीवन, मैं आई हुई हूँ यहाँ पर मेले में। दिवाली मेला है ये और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, तो बस वही चेकआउट कर रही हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया, बस ये देखो। थोड़ी देर पहले हम लोग गए थे एक फेयर, दिवाली फेयर लगा हुआ था, वहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल रही थी। मैंने कुछ परचेज़ भी किया है दिवाली के लिए, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल कशिश अपने रूम में लाइटिंग सेट कर रही है, उसने एक पिंक कलर की लाइट खरीदी है जस्ट अपने रूम को मैच करते हुए, और बस उसी को वो अरेंज कर रही है। और मैं जो परचेज करके लाई हूँ वो भी बस है, बहुत प्यारी चीज़ें हैं, मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। और अभी प्रशांत कर रहे हैं बालकनी में, जो हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं ना वहाँ पर लगाने वाले हैं लाइटिंग।
वैसे तीनों जो हमारी फ्रंट की तीन बालकनियां हैं उनमें तीनों में तो लाइटिंग पहले से ही लगा रखी थी, लास्ट ईयर की बाल लगा रखी है एक्चुअली, वो ही नहीं उतारी थी अभी तक। बस हम उन्हें जलाते थे जैसे कि कुछ ओकेजन देखा, कुछ फेस्टिवल है तो बस हम ऑन कर देते हैं, अदरवाइज उतारी नहीं है हमने अभी तक। तो वो अभी हमने जला दिए तो अच्छा लग रहा है। अभी फिलहाल थोड़ी और लाइटिंग लेकर आए तो उन्हें हम लगाएंगे प्लांट्स पर। मेरा मन है कि मैं प्लांट्स के चारों तरफ लगाऊं, लेकिन प्रशांत बोल रहे हैं कि जो ये जो लाइटें हैं वो थोड़ी हीट जल्दी हो जाती हैं और फिर प्लांट्स जो है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना? मैं प्लांट्स के चारों तरफ लगा रहा हूं, बस उसकी लपेट नहीं। तो ड्रॉप कर रहे हो आप। पिछले तुम्हारा हवाईयन वाला फूल कहाँ गया? तुम तो हवाईयन बनी हुई थी आज, क्यों भाई? मनी प्लांट के चारों तरफ भी लगा लो। मनी प्लांट की ये क्या खराब हो गया प्लांट ही वाला? हाँ, ये सूख गया है यार प्लांट। थोड़ा सा फाउंटेन के ऊपर नहीं आएगा? थोड़ा फाउंटेन के ऊपर आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो मैं फाउंटेन जब चलाऊंगी ना कल, पानी जब चलाऊंगी तो और अच्छा लगेगा। फाउंटेन के ऊपर ही तो है, करंट लग जाएगा तो मैं फाउंटेन के ऊपर अगर लगाऊंगी। हाँ ये बात भी है, अच्छा लग रहा है, यही अच्छा लग रहा है। ठीक, बहुत प्यारा लग रहा है वैसे बालकनी। और कल हम लोग, आज ही डाल दो यार पानी फाउंटेन में। एक्चुअली मैंने पानी निकाल दिया था फाउंटेन में से, क्योंकि बीच में ना मॉस्किटोज बहुत हो रहे थे तो कोई भी रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए था घर में, इसीलिए मैंने सारा पानी सुखा दिया था फाउंटेन का। और अब प्लान कर रही हूँ कि कल इसमें पानी डाल के एंड देन दोबारा फाउंटेन चलाएंगे तो और क्यूट लगेगी बालकनी, है ना? मैं क्या लेकर आई हूँ मेले से वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये ब्यूटीफुल से मैं पॉम्पॉम वाले टी लाइट होल्डर लेकर आई हूँ, जो कि मार्केट में मतलब छाए हुए हैं। पॉम्पॉम के आपको हर चीज़ मिल जाएगी मार्केट में। इस टाइम पॉम्पॉम के मैं वो देख रही थी, बंधन बार बहुत ही प्यारा था, 350 के अराउंड था वो, अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। उसमें पॉम्पॉम लटके हुए थे, बहुत ही गोटा पट्टी का वर्क हो रहा था, मुझे काफ़ी पसंद आया। हो सकता है मैं कल लेकर आऊँ। और मैं फ़िलहाल अभी ये लेकर आई हूँ पॉम्पॉम वाले, और इसमें गोटा पट्टी का काम हो रहा है, बिल्कुल है ना ट्रेडिशनल, एकदम प्यारा सा क्यूट सा, मुझे कलरफुल बहुत अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली। और मैं ये लेकर आई हूँ 50 रुपीज़ ईच, यानी कि 100 रुपीज़ में ये 2 पीसेज लेकर आई हूँ, जो कि रीजनेबल प्राइस पर मिल गए। और मुझे फ्लोटिंग कैंडल्स चाहिए थी, क्योंकि मुझे पानी में ना लोटस में लेकर आई थी होम सेंटर से, उसके साथ कुछ कैंडल्स तराने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैं फ्लोटिंग कैंडल्स लेकर आई हूँ जो कि 100 रुपीज़ में है, और इसमें 6 हैं, ये पर्पल कलर में है। और साथ में लेकर आई हूँ एक रंगोली, एक्लेरिक रंगोली सेट। तो ये जब मैं बनाऊंगी ना उस दिन दिवाली वाले दिन, तब आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। मैं लास्ट ईयर भी लेकर आई थी ये एक्लेरिक वाला सेट, रंगोली वाला, लेकिन पता नहीं मैं रख के कहाँ भूल गई हूँ, अब मुझे मिल ही नहीं रहा मेरे सामानों में। इस बार मैं सोच रही हूँ जो भी दिवाली का सामान है ना एक साथ एक जगह पर रखूँ। ये तो दिखा दो, आप पानी डाल रहे हो रात में? तो ये मैं जो एक्लेरिक का सेट है फिर दूसरा ले आई हूँ इस बार आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके। हाँ, रेड कलर में था, कुछ रेड या पिंक कलर में। और ये कुछ कलर्स लेकर आई हूँ, कलर्स नहीं रंगोली कलर, हाँ रंगोली कलर्स लेकर आई हूँ, रेड येलो पर्पल कलर में, डिफरेंट डिफरेंट कलर में, क्योंकि कशिश बनाने वाली है रंगोली। बनाओगी ना दिवाली पे? कशिश रंगोली बनाएगी।
इतने तो हम लोग एक्सपर्ट नहीं है रंगोली बनाने में, लेकिन वो रंगोली वाली जाली आती है ना, उसके थ्रू थोड़ा बहुत रंगोली बना लेते हैं। और कशिश थोड़े कंगूरे वगैरह बना के थोड़ा साइड में डिजाइन बना देती है। लास्ट टाइम बनाया था, अगर आपने मेरी लास्ट टाइम की दिवाली वाली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हमने घर के बाहर डिजाइन बनाया था एक छोटा सा प्यारा सा, तो वो ही बनाएंगे इस बार एक्लेरिक और ये सब दिए वगैरह यूज करके। चारों तरफ दिवाली की ना बिल्कुल धूम मची हुई है, जैसी घर से बाहर निकलते इतनी सुंदर सुंदर शॉप्स सजी हुई है ना दिवाली को लेके, मन करता है कि ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। अभी तो मुझे गणपति जी भी लेकर आने, लक्ष्मी और गणेश आई मीन, और क्या लेके आने, फूल लेकर आने, लक्ष्मी गणेश लेके आने, और कल धनतेरस है तो धनतेरस पे भी कुछ ना कुछ सामान आएगा, और खील बताशे हमारे यहाँ पूजा पर लगाए जाते हैं तो वो भी आएंगे, और दिए भी मुझे अभी लाने हैं। मैंने दिए कहाँ लाई हूँ, मैं दिए तो मुझे नहीं लगता मैंने, बड़ा दिया तो लाया ना। हाँ एक बड़ा दिया लाए थे, वो कहाँ गया, लेकर आना कशिश। छोटी तो कल करूंगी मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग, और दिवाली की और दिवाली का कैलेंडर वगैरह ये सब धनतेरस पे खरीदते हैं हमारे यहाँ। ये तो मैंने आज मेले में मुझे पसंद आ गए तो मैंने इसलिए परचेज कर लिए, और एक बड़ा दिया भी लेकर आई हूँ जो कि 50 रुपीज का मिला है मुझे, इस टाइप का है पेंट, मुझे अच्छा लगा इसका। तो प्रशांत ने बाहर जो हमारा फाउंटेन है उसमें भी पानी डाल दिया है, तो मैं देखने जा रही हूँ कि कैसा लग रहा है फाउंटेन के बाद। आपने ऑन कर दिया, देख कर आते देखो मैंने लाइट्स भी लगा। वाओ लुक्स ऑसम, लाइट तो जला दी थी बाहर की, अच्छा लग रहा है कश, बहुत प्यारा लग रहा है। फिर से हमारा फाउंटेन चलने लगा। वाला लेकर आई थी, सारे प्लांट्स इसी में लगाए हुए थे हम लोगों ने, ग्लास वाले में, और एक जो लास्ट में इधर की तरफ है वो बेचारा प्लांट मर गया, तो उसके लिए एक और नया प्लांट लाना पड़ेगा। मेरे कप में तो नहीं, लेकिन तुम्हारा कप है कि गंदा था।
कॉल सीजन है ना तो इसलिए अभी हम देख रहे हैं। सब जगह लाइटें सज गई हैं, बहुत सुंदर लग रहा है सारे अपार्टमेंट्स। बाय द वे मेरा सबसे 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 फेवरेट जो सीजन है वो है विंटर सीजन। विंटर सीजन मेरा बहुत फेवरेट है। और आप लोगों का कौन सा सीजन फेवरेट है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तुम्हारा कौन सा? विंटर। रशिश तेरा कौन सा है? तेरा सीजन कौन सा फेवरेट है? समर। भाई कशिश का समर है, मेरा और प्रशांत का विंटर है। हाँ गाइस, हैप्पी धनतेरस। आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग आज धनतेरस की शॉपिंग के लिए निकलेंगे और हमें भी निकलना है। अभी तो सुबह के 7 o'clock ही हो रहा है, हम लोग जाएंगे इवनिंग में शॉपिंग के लिए। लक्ष्मी पूजा के लिए सामान लेने जाएंगे, पान का पत्ता फूल और आपके लक्ष्मी गणेश, खील बताशे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लक्ष्मी पूजा में चाहिए होती है। मिठाइयाँ तो आज नहीं खरीदेंगे, मिठाइयाँ तो दिवाली वाले दिन खरीदेंगे। सोच रही हूँ वैसे मैं गुलाब जामुन बना लूँ और उसके अलावा भी यार मिठाई चाहिए होगी, देखते हैं। तो ये सब चीज़ें, बाकी आज लोग चांदी का सिक्का या गोल्ड का सिक्का खरीदते हैं और उसके अलावा सिल्वर खरीदते हैं, तो वो सब देखते हैं कि आज शाम को हम क्या खरीदते हैं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो गाइस अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और अब मैं मिलूँगी अब आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू, टेक केयर एंड सेफ दिवाली। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जिससे कि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो दिवाली की अपलोड करूँ वो आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर इजीली आ जाए। और नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर लीजिए, साथ में अपनी वीडियोस की एंट्री भेजते रहिए क्योंकि मैं आने वाले ब्लॉग्स में उन सबको लगाने वाली हूँ। तो बाय बाय।